दोस्तों, अगर आप भी कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी को देखकर भारतीय दिग्गजों ने दिया है सनसनी मचा देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसको देखकर भारतीय दिग्गज खुश हो गए। इस बीच सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग ने एक ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान जारी कर दिया जो आपके भी दिल को छू जाएगा। आखिरकार कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी को देखकर भारतीय दिग्गजों ने क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव में कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक गेंदबाज, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच रांची के मैदान पर चौथा टेस्ट खेला जा रहा है, जहां इस मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 353 रन पर ऑल आउट किया। वहीं भारतीय टीम 307 रन पर ऑल आउट होकर 46 रन से पीछे हो गई है। हालांकि इस बीच इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में 145 रन ऑल आउट होकर बनाए और 191 रन की लीड हासिल कर 192 रन का लक्ष्य भारत को दे दिया, जहां 8 ओवर में तीसरे दिन के समापन तक भारत ने 40 रन बिना विकेट खोकर बनाए और अब भारत को जीत के लिए 152 रन की आवश्यकता है। ऐसे में दूसरी पारी के दौरान रविचंद्रन अश्विन ने 5 विकेट लिए, वहीं कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिए। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव को लेकर भारतीय दिग्गजों का सनसनी मचा देने वाला बयान सामने आया है, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव ने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी की है। इस मैच के अंदर कुलदीप यादव ने बेहतर गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। आज जिस प्रकार से कुलदीप यादव ने एक तरफ से टीम को संभाल कर रखा और दूसरी तरफ से ध्रुव ने तूफानी बल्लेबाजी की, उसके बाद कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से भी सभी को प्रभावित किया है और इनका साथ रविचंद्रन अश्विन ने बखूबी तरीके से दिया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन अगर बेहतरीन गेंदबाजी नहीं करते तो शायद भारतीय टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। ऐसे में इन दोनों की बेहतर गेंदबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन दोनों ने बेहतर गेंदबाजी की है। दोनों ने आज जिस प्रकार से बेहतरीन गेंदबाजी की है उसको मैं कभी भी भूलने वाला नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों खिलाड़ी बेहतरीन गेंदबाजी नहीं करते तो शायद भारतीय टीम इस मैच के अंदर काफी ज्यादा पीछे हो जाती। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने एक ऐसा काम किया जिसको इंग्लैंड की टीम कभी नहीं भूल पाएगी। हालांकि इंग्लैंड की टीम के खिलाफ हम काफी ज्यादा बेहतरीन स्थिति में मौजूद हैं, ऐसे में इंग्लैंड की टीम को अब हम बेहतरीन बल्लेबाजी के जरिए चौथे दिन बुरे तरीके से परेशान करते हुए हराने वाले हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन दोनों की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है। दोनों की बेहतर गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को 200 रन का आंकड़ा बीच उन्हें दे दिया। ऐसे में भारतीय टीम के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना काफी ज्यादा आसान है। ऐसे में अगर दोनों खिलाड़ियों की बेहतरीन गेंदबाजी मैच के अंदर देखने को नहीं मिलती तो शायद भारतीय टीम मैच में काफी पीछे हो जाती और मैच का रिजल्ट चौथे दिन के बजाय पांचवें दिन आगे चला जाता। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए जिस प्रकार से दोनों की बेहतर गेंदबाजी रही है उसके चलते भारतीय टीम के पक्ष में रिजल्ट जाने वाला है। वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन की बेहतरीन गेंदबाजी आज के दिन देखने को मिली है। दोनों ने जिस प्रकार से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम को पूरे तरीके से जड़ कर रखा वह दर्शाता है कि भारतीय टीम के पास किस तरीके की स्पिन गेंदबाजी का जाल मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए इस समय काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी टीम के अंदर मौजूद है, लेकिन स्पिनरों को मुकाबला कर पाना किसी भी टीम के पास नहीं है। ऐसे में हमारे घर पर जाकर हमको स्पिन में फंसाने का फार्मूला सभी को खराब दिया जाएगा, जिसका सीधा उदाहरण इंग्लैंड की टीम से देख सकते हैं। ऐसे में हमारी टीम के लिए दोनों मुख्य खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच रांची के मैदान पर चौथा टेस्ट खेला जा रहा है, जहां इस मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 353 रन पर ऑल आउट किया तो वहीं भारतीय टीम 307 रन पर ऑल आउट होकर 46 रन से पीछे हो गई। हालांकि इस बीच इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में 145 रन ऑल आउट होकर बनाए और 191 रन की लीड हासिल कर 192 रन का लक्ष्य भारत को दे दिया, जहां 8 ओवर में तीसरे दिन के समापन तक भारत ने 40 रन बिना विकेट खोकर बनाए और अब भारत को जीत के लिए 152 रन की आवश्यकता है। ऐसे में दूसरी पारी के दौरान रविचंद्रन अश्विन ने 5 विकेट लिए तो वहीं कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। ऐसे में अब भारतीय टीम जीत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, जिसको देखकर दुनिया भर के तमाम दिग्गजों का बयान सामने आया है, जिसमें वसीम जाफर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव और अश्विन ने आज काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी की है। दोनों ने जिस प्रकार से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को मजबूती दिलाई है उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय टीम का तूफानी प्रदर्शन आज देखने को मिला है वो बताता है कि भारतीय टीम के लिए इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए आज का दिन काफी ज्यादा बेहतर रहा है। जिस प्रकार से सुबह इंग्लैंड के गेंदबाजों को काफी ज्यादा परेशान किया गया था, उसके बाद बल्लेबाज को भी भारतीय गेंदबाजों ने परेशान किया है, ऐसे में भारत के तूफानी प्रदर्शन के दम पर भारत को जीत मिलेगी। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव अश्विन दोनों ने बेहतर गेंदबाजी की है। दोनों की गेंदबाजी आज भारतीय टीम के लिए जीत का अंतर पैदा कर चुकी है, क्योंकि अगर ये दोनों खिलाड़ी बेहतर गेंदबाज
गेंदबाजी नहीं करते तो इंग्लैंड की टीम को 145 रन पर रोकना काफी ज्यादा मुश्किल था। हालांकि इस मैदान पर बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा कठिन लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे गेंदबाजों ने विरोधी टीम को परेशान किया है वो बताता है कि हमारी टीम के गेंदबाजों के खिलाफ किसी का थोड़ा सा भी बेहतर प्रदर्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए अब जीत की स्थिति तैयार हो चुकी है, ऐसे में अब हमारी टीम को चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन जीतने से कोई भी गेंदबाज नहीं रोक पाएगा। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के गेंदबाजों की इस मैच में गेंदबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। जिस प्रकार से पहले और दूसरे दिन खेल चला है उसको देखकर मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम इस मैच में हद पर हावी होकर मैच में जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर आई है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी टीम ने तीसरे दिन बेहतर प्रदर्शन करते हुए मैच में सभी को प्रभावित किया है और मैच के अंदर जीत के करीब पहुंचने का कार्य किया है उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजों की राह आसान हो गई है और अब भारतीय टीम के बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करने के साथ चौथे टेस्ट के चौथे दिन जीत भी मिलने वाली है। तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए गेंदबाजों ने काफी ज्यादा बेहतर गेंदबाजी की और बल्लेबाजों ने भी काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से तीसरे दिन का खेल भारत के पक्ष में गया है उस तरीके का खेल पहले और दूसरे दिन के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलता तो भारतीय टीम इस मैच में पीछे नहीं होती। लेकिन तीसरे दिन के खेल के चलते भारत मैच में वापस आया है और अब जीत के करीब पूरी तरह हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि कुलदीप यादव और अश्विन की शानदार गेंदबाजी के बाद भारतीय टीम को चौथे टेस्ट मैच के अंदर चौथे दिन जीत दर्ज करने से विरोधी टीम का कोई भी गेंदबाज अब हमें नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को इंग्लैंड की टीम के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में जीत हासिल करने का मौका मिलेगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच रांची टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी 353 रन पर ऑल आउट हो गई। हालांकि इसका पीछा करते हुए टीम इंडिया ने भी बेहतर खराब प्रदर्शन किया। पहली पारी में यशस्वी जायसवाल 73, कप्तान रोहित शर्मा 2 और शुभमन गिल ने 38 रन बनाए। इसके अलावा भी भारतीय टीम का पूरा टॉप ऑर्डर टॉस के पत्तों की तरह बिखर गया। दो दिनों की समाप्ति के बाद भारत ने पहली पारी में 73 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना लिए। फिलहाल टीम इंडिया 134 रन पीछे थी। ध्रुव जुरेल 30 और कुलदीप यादव 17 रन बनाकर करीब 100 ओवर मौजूद थे। भारतीय टीम मुश्किलों में फंसती दिख रही थी। इसके बाद जब आगे तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड जल्द से जल्द भारतीय टीम के 3 विकेट हासिल करना चाहती थी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा बनाया गया 1-1 रन उनको मैच से दूर ले जा रहा था। लेकिन ध्रुव जुरेल तो मैदान से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वह तो मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। दोबारा जब खेल शुरू किया गया तो इन दोनों ने संभाल कर भारतीय टीम को आगे बढ़ाया। कुलदीप यादव उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और इन दोनों के बीच की पार्टनरशिप बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। 86वें ओवर की इन्होंने टीम इंडिया को 250 रनों के पार पहुंचा दिया और इंग्लिश टीम के भारत को जल्द से जल्द आउट करने के प्लान पर भी पानी फेर दिया। तभी जेम्स एंडरसन ने अपना असली रंग दिखाया और अपनी कातिलाना गेंद से आखिरकार उन्होंने कुलदीप के डिफेंस को भेद कर उनके विकेट उखाड़ दिए और कुलदीप यादव की पहली पारी का आखिरकार अंत हुआ। लेकिन जाने से पहले कुलदीप यादव ने 131 गेंद खेल डाली। इस दरमियान उन्होंने 2 बेहतरीन चौके भी लगाए और आखिरकार जुरेल और कुलदीप के बीच 76 रनों की साझेदारी का अंत हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जुरेल रुके नहीं। देखते ही देखते इन खिलाड़ी ने न केवल अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया बल्कि साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर उन्होंने टीम इंडिया की वापसी की कहानी लग दी। उनका आकाशदीप ने बखूबी साथ निभाया और एक खिलाड़ी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था। दूसरी तरफ ध्रुव ने एक के बाद एक कई बेहतरीन छक्के लगाए, लेकिन आकाशदीप केवल 9 रन बनाकर शोएब बशीर का शिकार हो गए। ध्रुव 90 रन बना चुके थे, वह अपने शतक के बेहद करीब थे और दूसरी तरफ सिराज पर उनका बखूबी साथ निभाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन शतक बनाने की जल्दी में ध्रुव गलती कर बैठे और टॉम हार्टले ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय पारी को समेट दिया। लेकिन ध्रुव जुरेल ने खतरनाक अंदाज में 6 चौके 4 छक्कों की बदौलत 90 रन की यादगार पारी खेली और टीम इंडिया को 307 रनों पर पहुंचाया, जहां भारतीय टीम इंग्लैंड के लिए स्कोर से 46 रन पीछे रह गई। इसी के साथ लंच ब्रेक ले लिया गया। लंच ब्रेक के बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी का आगाज करने बेन डकैत और जैक क्रॉली की जोड़ी मैदान पर उतरी। अपने रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाजों की जगह पर दोनों छोर से स्पिनर्स के साथ जाने का फैसला किया। आर अश्विन ने भारत ने बॉलिंग की शुरुआत की, वहीं दूसरे छोर से रवीन जडेजा ने गेंदबाजी का भार संभाला और उसका फायदा भी बहुत जल्द मिला। 5वें ओवर में आर अश्विन ने बेन डकैत और ओली पॉक को आउट कर भारत को न सिर्फ बैक टू बैक 2 सफलताएं दिलाई बल्कि भारत में अपने 351 विकेट भी पूरे कर लिए। वह घरेलू सरजमी पर सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। डकैत 15 रन बनाकर चलते बने, ओली पॉप के तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। टीम इंडिया की उन्होंने तगड़ी वापसी कर दी और नंबर 4 के पायदान पर अब टीम इंडिया की हालत बिगाड़ने के लिए पिछली पारी के शतक वीर जो रूट कदम रख चुके थे। जैक क्रॉली और जो रूट ने इंग्लैंड की पारी को संभाल लिया और लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट खोने के बाद इंग्लैंड के लिए इन दोनों ने तेजी से 38 रन जोड़ लिए। भारत को इस जोड़ी को तोड़ने की जरूरत थी। उसी समय अश्विन ने जो रूट की रूप में बड़ी मछली फंसाई। पारी के 17वें ओवर के आखिरी गेंद पर अश्विन ने रूट को LBW आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। भारत के लिए यह बहुत बड़ा विकेट था। अश्विन के नाम अभी तक 3 विकेट रहे थे। रूट भी केवल 11 रन बनाकर आउट हुए। जो रूट के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए जॉनी बेयरस्टो ने रनों की रफ्तार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। दूसरी तरफ जैक क्रॉली ने भारत के खिलाफ इस सीरीज में 1 और अर्धशतक जड़ दिया। उन दोनों की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 26वें ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 100 के पार पहुंच गया
वहीं उनके लीड भी 150 से अधिक रनों की हो गई। टीम इंडिया मुश्किल में थी, तभी रोहित अपने तुरुप के इक्के कुलदीप यादव को लाते हराते इस गेंदबाज ने जैक क्रॉली को आउट कर इंग्लैंड को बड़ा झटका दे दिया। क्रॉली 60 रन पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। कुलदीप यादव ने 29वें ओवर की पहली गेंद पर उन्हें क्लोन बोल्ड किया और इंग्लैंड को 110 रन के स्कोर पर चौथा झटका दिया। फिर उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने कप्तान बेन स्टोक्स आए थे, लेकिन कुलदीप की फिरकी के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 33वें ओवर में कुलदीप ने इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड करा दी इंग्लिश पारी को समेट दिया।